एक कदम आगे बढ़ रहा था और इस बीच में क्या कुछ घट रहा था, आइए देखते हैं सघन वन में इस दृश्य में आगे। हमें आज पिताजी को संदेश भेजकर सेना भुलवा देनी चाहिए। सामान्य राक्षस ही नहीं जिसका वध कर दिया जाए, का तो एक जनस्थान को शक्ति दी है जिससे पूरे जनस्थान को प्रदूषित कर रखा है। ताड़का इस पूरे रक्ष संस्कृति की प्रतिनिधि है जिसने ब्रह्मांड के समस्त बुराइयों के रक्षण का संकल्प ले रखा है। तो इसका कैसे होगा भैया? जन जागरण के रूप जन जागरण से विचार क्रांति के माध्यम से हमें जन जन को आंदोलित करना होगा। यज्ञ संस्कृति, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति का पुनरुत्थान करना होगा। जन जागरण देख रहा हूं मैं कि उस युग में किस प्रकार ऋषि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़े श्री राम, और आज के इस युग में एक बार पुनः से हमारे प्रभु श्री राम ने हमें इसी राह पर आगे चलाया और साथ ही साथ हमें यह भी सिखाया कि अनाचार बढ़ता है जब, सदाचार चुप रहता जब, जब जब सदाचार चुप रहा है, जब जब सज्जन मौन रहे हैं तब तब दुर्जनों की वारे न्यारे हुए, उनके दिन आए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, मर्यादा उन्होंने कभी नहीं त्यागी। मर्यादा में रहते हुए भी एक पल लेकिन आया जब उनका मन निर जगा।
माता शबरी के बिछाए इन फूलों की भांति चित्त प्रति मैं भी अपनी पूजा स्थली में फूल चढ़ाता हूँ। साथ ही साथ कुछ सस्ते महंगे फल ला करके भी भगवान को डेली अर्पित करता हूँ। बात अलग है कि मिल बांट के आपस में ही खा जाता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान चाहते हैं निष्कपट। दिख रहा है वो यह बता रहा है कि इस साधना का क्या भाव था और इस साधना का क्या भाव। हम सभी अपनी साधना किसी भी रूप में करें, हम ये जाने कि हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, हम किस भाव से कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। रामायण अब अपने शिखर पर है, तमस छट रहा है।